में डालूंगा। किसी क्राफ्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। यू आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। बज़ाहिर इस वक्त मुल्क के जो मजबूरी हालात हैं, लगता यह है कि उसने ऑपोजिशन के लिए एक साजगार विकेट तैयार कर दी है। मईशत यकीनन इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है, हुकूमत कई मौक़ों पर नाकाम होती नज़र आती है, जबकि चेयरमैन नैब भी दबाव में हैं। ऐसे में अब ये पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप की पहली नस्ल की जिम्मेदारी है या उनके लिए मौका है कि वो कैसा खेलते हैं। मरियम नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज इस वक्त मैदान में हैं और साजगार विकेट है, देखना यह है कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज ने आज लाहौर में यौम तकबीर की तकरीब से उसमें उन्होंने शिरकत की, खिताब किया। मरियम नवाज ने पिछले कई दिनों से बहुत मुतहरिक अंदाज में सामने आती हैं, अपने खिताब में भी एक उनका जोश वलवला बरकरार था। वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत को वो आड़े हाथों में ले रही थी। उनका कहना ये था कि नालायक हुकूमत ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया है। कोई मुल्क इमरान खान को वज़ीर आज़म मानने पर तैयार नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत सिर्फ एक मोहरा और कठपुतली है। जब एटमी धमाके किए थे, कितनी कड़ी पाबंदियां लगी थी पाकिस्तान में। नवाज शरीफ ने तो उन पाबंदियों के बावजूद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। और एक तुम भिखारी आजम हो कि 6 अरब डॉलर के लिए मुल्क को IMF के हाथ गिरवी रख दिया। तुम चोर दरवाजे से हुकूमत में आए हो। तुम्हारा जो लकब है वो एक मोहरा है। तुम कठपुतली हो, तुम मोहरा हो, तुम किसी के इशारों पे नाचते हो, तुम कौम की आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम आवाम के बलबूते पे नहीं आए, तुम वोट के बलबूते पे नहीं आए, तुम साजिश करके आए हो। कहते हैं कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। ओ भाई, तुमसे NRO मांग कौन रहा है? जो खुद हर बात पे किसी का मोहताज हो, किसी की आंखों के इशारे की तरफ देखता हो, वो किसी को NRO। ये वही लबो लहजा है, वही अंदाज है, वही वलवला है जो हम कमोबेश हर रोज बिलावल भुट्टो जरदारी से भी सुनते हैं। आज मरियम नवाज से थोड़ी देर कबल इसी लबे लहजे की, इसी अंदाज की गुफ्तगू की थी जनाब हमजा शहबाज ने। एक नियाजी खान है, 10 महीने लोगों ने आपकी उछल कूद देखी, आपके झूठ के पोल खुले, आपने अपने किरदार से जाहिर किया कि आप नालायक हैं। और खिलाड़ी समझता था मैं इसको, ये खिलाड़ी नहीं, ये खिलंडरा है। नवाज शरीफ ने अरबों डॉलर ठुकराए और इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, पाकिस्तान की सालमियत को मजबूत किया। और इस शख्स ने जो कहता था मैं खुदकुशी कर लूंगा, कर्जा नहीं लूंगा, चंद अरब डॉलर की खातिर पूरे पाकिस्तान को IMF का चरखमाल बना दिया इसने। जज्बा भी एक है, वलवला भी एक है, गुस्सा भी एक है, जवां साल ये जवां क़यादत भी है, लेकिन देखना यह है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में ये दोनों सियासी जमातें क्या एक सियासी हकमत अमली पे जमा हो जाते हैं, और क्या वाकई ये एक जॉइंट स्ट्रगल करते हैं, जॉइंट तहरीक चलती है और एक ये भरपूर कौमी तहरीक का रुख इख्तियार करती है जिसमें ये दोनों सियासी जमातें शामिल होती हैं या नहीं। ये सवाल मौजूद है कि अपोजिशन पार्टीज़ ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर किस हद तक एक पेज पर जमा होंगी, यानी कि पीपल्स पार्टी और PMLN।
बजट में जो मुतवक्का नए टैक्सेस आ रहे हैं जो कि यकीनन बहुत ही सख्त टैक्सेस होंगे, उस पर सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किया जाएगा या किसी तहरीक की प्लानिंग मौजूद है, ये भी देखना यह है कि नैब केसेस के खिलाफ अपोजिशन की जद्दोजहद अदालतों तक रहेगी या बाकायदा अवामी एहतजाज किया जाएगा। एक बहुत अहम सवाल जो हालिया दिनों में सामने आया है कि चेयरमैन नैब के हवाले से सामने वाले स्कैंडल पर अपोजिशन क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी, इसके बारे में भी अभी इबहाम बाकी है। जोश है, वलवला है, अंदाज है, चाहे वो मरियम नवाज का हो, बिलावल का हो या हमजा शहबाज का, लेकिन एक मुश्तरका हिकमत अमली है या नहीं, अभी मैंने आपको दिखाया कि मरियम नवाज किस तरह की बातें कर रही है, क्या अंदाज है, हमजा शहबाज का क्या है, जरूरी है कि मैं आपको दिखाऊं कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कह रहे हैं। इस मुल्क के अवाम में आय की सुनामी में डूब रहे हैं, जहां हम देखते हैं, हर जगह हम देखते हैं, ऐसे लगता है कि एक किस्म का इकोनॉमिक मैसेकर हो रहा है, हमारा मजदूरों का मुआशी कत्ल हो रहा है, हमारा किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है, हमारा बुजुर्ग पेंशनर्स का मुआशी कत्ल हो रहा है, हमारा बेरोजगार नौजवानों का मुआशी कत्ल हो रहा है, सफेद पोश तबका का मुआशी कत्ल हो रहा है, गरीब अवाम का मुआशी कत्ल हो रहा है, छोटा ताजिर, छोटा दुकानदार, उनका मुआशी कत्ल हो रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ इनकी ना अहली और नाकामी की वजह से है। अवाम की पेट खाली है, अवाम की जेब खाली है, और इनके पास ना कोई प्लान है, ना कोई मिशन है, ना कोई विजन है। तो विजन भी है, जज्बात भी हैं, जज्बा भी है और वलवला भी है और नस्बतन जवां क़यादत भी है, लेकिन क्या वाकई ये डिलीवर करेंगी, क्या वाकई ये इमरान खान का हकीकत में उसी अंदाज में उस हुकूमत का जीना दोबर कर देंगी जैसे कि इमरान खान ने सन 2013 से सन 2018 तक PMLN की हुकूमत का किया था। ये बहुत बड़े सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त पाकिस्तान में लीड कर रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत ही मुतहर्रिक तर्जुमान भी हैं, पार्लियामेंटेरियन भी हैं। मोहतरमा डॉक्टर नफीसा शाह हमें एक बार फिर ज्वाइन कर रही हैं, सेक्रेटरी इत्तेलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया आपका। अब्बासी साहब फरमाइएगा कि सब कुछ है, कंटेंट है, जोश है, जज्बा है, विकेट बड़ी साजगार है, हुकूमत सख्त मुश्किल में है, मगर अलहदा अलहदा नज़र आती है अपोजिशन, वो एक जैसा कि एक जॉइंट और एक मुतहद और एक जगह पे एक पेज पे होने वाली कैफियत जो है वो अभी हमें उसकी ऑप्टिक्स नज़र नहीं आ रही है, क्या इसमें कुछ हो रहा है इस मामले में? देखिए अभी तक तो कोई मुश्तरका लायमल नहीं तय हुआ, एक ही मीटिंग जो अफ्तारी पर हुई थी वो भी एक मीटिंग थी जो जिसको इब्तदाई मीटिंग कहा जा सकता है, और उसमें यही तय हुआ कि एक ABC होगी ईद के बाद और वहाँ पर एक मुश्तरका लायमल अपोजिशन का तय होगा और उसके बाद ही नज़र आएगी कि किस तरफ ये मामला जाता है। फ़िलहाल तो सारी जमातें अपने तरीके से एहतजाज कर रही हैं हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, उसकी नाकामी के ख़िलाफ़ और आवाम के मसाइल के लिए। डॉक्टर साहिबा फरमाइएगा कि कैसे ये पॉसिबल है कि जब तक एक कम्प्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव जॉइंट प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी अपोजिशन, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और PMLN, उस वक्त तक तो ये बातें ही बातें हैं, वो कोई रियल थ्रेट नहीं है गवर्नमेंट के लिए अगर ये अलग-अलग तकरीरें करते रहें बिलावल और मरियम और हमजा? देखिए, इन द फाइनल एनालिसिस जो थ्रेट होता है गवर्नमेंट को वो उनके अंदर से होता है, और वो हमने देखा है कि इतनी कमज़ोर हुकूमत थी कि 9 माह में खुद ढेर हो गई और उनकी न डायरेक्शन है, न प्लानिंग है, न पॉलिसी है। अपोजिशन, हम तो अवाम की अक्कासी करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो। पार्लियामेंट में अंदर मैं ये ज़रूर कहूँगी एक हम आहंगी है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे का साथ दिया जाता है, एक वॉकआउट एक जमात इनिशिएट करती है तो दूसरी उसका साथ देती है, एक तो वहाँ पर तो एक कॉमन हमारी जॉइंट स्ट्रेटजी भी है और जॉइंट हैं। जहाँ तक जो पार्लियामेंट के बाहर है तो यकीनन हर पार्टी की अपनी जमात है, उनके अपने वर्कर्स हैं, अगर मरियम नवाज़ एड्रेस करेंगी अपने वर्कर्स को करेंगी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एड्रेस करेंगे अपने वर्कर्स को करेंगे, तो वहाँ पर तो इस वक्त तक ऑब्वियसली अपनी अपनी जमातें अपने अपने वर्कर्स के साथ और अब इंटरनल जो भी हमारा एजेंडा है, हमारी आइडियोलॉजी है उसके साथ हैं। लेकिन एक मीटिंग हुई है जो ऑन ग्राउंड ये बात है
कि एक फैसला ये हुआ है, सब मुश्तरका जो अफ्तारी हुई थी उसमें जो एक गैर रस्मी एक मीटिंग थी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द अपोजिशन साइड, तो मोस्ट ऑफ देम, आई वुडंट से ऑल, कुछ हो सकता है ना हो या उनकी लीडरशिप मौजूद ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ देम वर देयर। और यहाँ पर फैसला ये हुआ था कि एक एपीसी होगी और उस एपीसी में डिटेल्स जो हैं वो तय होंगी और वो एपीसी ईद के बाद होगी। ये फैक्ट्स हैं। अब ऐसा ये फरमाइएगा, पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि शहबाज शरीफ साहब आज कोर्ट में बताएगा 11 जून को वो पाकिस्तान आ जाएंगे और फिर वो पार्टी को लीड करेंगे, देन ही विल बी हेयर जब ये फाइनल फेज होगा जिसमें कि एपीसी होगी और फिर हुकूमत के खिलाफ कोई जॉइंट स्ट्रेटजी बनेगी। शहबाज शरीफ साहब यहाँ होंगे उसको लीड करने के लिए। जी जी, वो बजट सेशन में उन्होंने पहले भी कहा था कि बजट सेशन से पहले आ जाएंगे और बजट सेशन में शिरकत करेंगे और एपीसी तो उसके बाद ही होनी है, तो इंशाल्लाह यहीं पर मौजूद होंगे। और डॉक्टर रफ़ी साहब ये फरमाइएगा कि कल बिलावल साहब और आसिफ जरदारी साहब को नैब ने तलब किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन होगा, और कल ही हमजा शहबाज को भी लाहौर में नैब ने तलब किया है। ये बताइए कि पीपल्स पार्टी क्या कल, जैसे लास्ट टाइम जब ये दोनों लीडर्स गए थे तो काफ़ी आपने शो ऑफ फोर्स किया था, कल क्या इरादा है और क्या ये अलहदा अलहदा जाएंगे, मुश्तरक तौर पर जाएंगे बिलावल साहब और जरदारी साहब? देखिए, कई हाज़रियाँ हुई हैं, मतलब हमने तो बैठ के नहीं गिनी हैं। जरदारी साहब भी जाते रहे हैं, फरियाल टालपुर साहिबा भी जाती रही हैं, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जाते हैं, और वर्कर्स तो यकजहती के लिए वहाँ पहुँचते हैं, और आप कल भी देखेंगे कि क्या, लेकिन ये होगा कि नैब की जो भी हाज़रियाँ हैं या कोर्ट्स की हाज़रियाँ हैं, पीपल्स पार्टी हैज़ बिन लॉ अबाइडिंग और हम कानूनी केस फाइट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे साथ नाइंसाफ़ी लग रहा है, हो रही है, दोहरे मयार हो रहे हैं, तो हम आवाम को भी ये चीज़ें आर्टिकुलेट कर रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा कि नैब का एक स्कैंडलस वीडियो नैब चेयरमैन का जब आया तो उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने सियासत नहीं की, हमने वही बात की कि ऑफ कोर्स इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन अगर नैब के चेयरमैन ने मिसयूज की है अपनी अथॉरिटी अपने पावर। डॉक्टर साहब, जरा सा इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि अभी आपने कहा कि ऑफ कोर्स इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, बिलावल साहब ने बिल्कुल नहीं कहा कि ऑफ कोर्स इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि ये हम इस पे जातियात पे सियासत नहीं करते, इस मामले पे हम कुछ नहीं कहते, लेकिन आप अगर रीइट्रेट कर रही हैं तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या पीपल्स पार्टी की पोजीशन है कि ये जो स्कैंडल सामने आया है इसकी कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या ये अब एक सोची हुई आपके आपका ये का मुतालबा है जिसको कि अभी तक नहीं कहा है बिलावल साहब ने? नहीं, देखें, जो हमारे पार्टी का मौक़िफ़ है, बिल्कुल बिलावल साहब ने एक एस्पेक्ट को ज़रूर हाईलाइट किया जो लग रहा है, जो ऑस्टेंसिबली फर्स्ट थिंग जो नैब के चेयरमैन ने कहा, उन्होंने ये कहा कि ब्लैकमेल है, तो इस एस्पेक्ट को भी इंक्वायर होना चाहिए आइदर थ्रू पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट ज़रूर डायरेक्शन दे, अगर पार्लियामेंट के अंदर नहीं तो पार्लियामेंट डायरेक्शन दे, और बाहर हुकूमत भी बना सकती है, जुडिशरी भी बना सकती है, पार्लियामेंट खुद भी पार्लियामेंट्री कमीशन बना सकती है, लेकिन एक इसका पहलू ये है कि जो एक चैनल जिसने वीडियो लीक किया वो उस चैनल के का मालिक बहुत करीब है, लेकिन मैडम ये सब उस वक्त होगा डॉक्टर साहब जब दूसरा कोई एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी, मगर उसके लिए पहले आपको यू विल हैव टू कॉल फॉर एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, जो अभी आपने कैटेगोरिकल नहीं किया है। लेकिन कामरान भाई, दूसरा एस्पेक्ट है जिसको मैं समझती हूँ नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो वीडियो के जो वीडियो लीक हुआ है, अगर उसमें जो वट एवर वन कैन सी, अगर उसमें एलिमेंट आता है हरासमेंट का या मिसयूज़ ऑफ पावर का या अथॉरिटी का, तो वो एस्पेक्ट भी हमारा मौक़िफ़ ये है कि इसके हर पहलू की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी होनी चाहिए, और यकीनन इसका ओरिजिन इसलिए पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट्री डायरेक्शन हो या पार्लियामेंट्री सरपरस्ती हो, क्योंकि पार्लियामेंट इस वक्त इससे जुदा है। मैं समझ गया। अगर गवर्नमेंट पर तो एलिगेशन है, गवर्नमेंट को तो इंक्वायरी कर नहीं सकती, ना हम उसको एक्सेप्ट करें। मैं बिल्कुल समझ गया। शाहिद का ख्याल बासित साहब बताइएगा, अभी तक मुझे भी पीएमएलएन का जो मौकफ रहा है वो थोड़ा सा
कम अज़ कम मैं नहीं समझ पा रहा। कल जब ख्वाजा आसिफ साहब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने वही बात की जो पहले बिलावल साहब कह रहे थे कि उनकी ज़ाती बात है, हुकूमत ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, ये चेयरमैन नैब का आपको जो है ये उनकी ज़ातियात की बात है। इससे पहले कुछ बातें आपने भी कुछ इसी किस्म की की, शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात की। अब आप मुझे स्टेटेड पोजिशन क्या है इस चेयरमैन नैब के जो स्कैंडल है इसके हवाले से पी एम एल एन की, वो मुझे ज़रा सा बताइए ना कि जो इबाम से पाक पोजिशन है आपकी। हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है जी पहले दिन से, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो मुख्तलिफ औकात पर जो उस वक्त तक डेवलपमेंट्स हुई थी उसके हवाले से आई थी। हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि इस सारे मामले की तहकीक जो है वो स्पेशल कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट करे, किसी और फोरम पर ना ही हकायक सामने आएंगे और ना ही। लेकिन भाई साहब वो स्पेशल कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट के पास कौन से ऐसे जराए होंगे, ये तो फॉरेंसिक ऑडिट होना है इसमें तो। आई अंडरस्टैंड कि आप ऑडियो वीडियो को इंडिपेंडेंटली जज करना चाह रहे हैं, तो वो स्पेशल कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट कैसे उसको करेगी, उसके लिए तो एक लॉ इन्फोर्समेंट चाहिए होगी आपको। क्या चाहिए? एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी चाहिए होगी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी चाहिए होगी, एक स्पेशलाइज्ड यूनिट चाहिए होगी। देखिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बाद में आएगी, पहले इस इशू के हकायक जो हैं, क्योंकि इसके बहुत से पहलू हैं। एक इंटरव्यू या मुलाकात हुई चेयरमैन साहब की जिसको उन्होंने डिनाई कर दिया, उस पर जो जावेद चौधरी साहब है वो कायम हैं, उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको भी डिनाई किया, फिर चेयरमैन साहब ने कहा जी हमने कुछ नहीं कहा, फिर ये वीडियोज़ आ गए उसको भी नैब ने कहा जी ये दुरुस्त नहीं है, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की इन्वॉलमेंट आ गई कि उनके दोस्त हैं, उनकी कंपनी है, वो मुशीर हैं प्राइम मिनिस्टर के, ऑफिशियल हैं या नहीं है बट उनकी मीटिंग्स में होते हैं। उसके बाद फिर उस चैनल ने कहा जी कि ये गलत हमसे हो गया है। इसमें इतने पहलू पैदा हो गए हैं कि हकायक पहले डिटर्मिन करने पड़ेंगे और वो पार्लियामेंट्री कमेटी ही कर सकती है, और वो फिर किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के हवाले कर सकती है, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या कोई जुडिशियल फोरम हो जो उसको फिर टेकअप करे और तो उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है वो करे। लेकिन सबसे हमारे नज़र में जी फरमा दीजिए, हमारी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हकायक अवाम के सामने आना है, क्योंकि आज पूरा जो प्रोसेस है अकाउंटेबिलिटी का वो अंडर डाउट आ चुका है, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं आज पूरा तो मुल्क कह रहा है। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि अब फिर क्या पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी, जो अभी आपने फरमाया, जो शायद खाखर अब्बासी साहब ने फरमाया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस सिलसिले में, कॉन्क्रीट स्टेप बताइए। देखिए यही हम डिमांड करेंगे कि इसके हर पहलू की इंक्वायरी होनी चाहिए, डायरेक्शन सेटिंग पार्लियामेंट देगी। ये हम नहीं कहेंगे कि ऑब्वियसली पार्लियामेंट कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सेटिंग विजन या जो किस तरीके कार ये सारा विजन पार्लियामेंट दे, गवर्नमेंट नहीं दे सकती, वो गवर्नमेंट खुद कटहरे में है, नैब का चेयरमैन खुद कटहरे में है। तो ये इस पे डिबेट, पहली बात तो डिबेट होना चाहिए, और इस डिबेट से जो रिकमेंडेशन आए, अगर पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है वो बने थ्रू अ रेजोल्यूशन, अगर पार्लियामेंट कोई और डायरेक्शन देती है, लेकिन इसमें स्पीकर साहब को चाहिए कि इसको सीरियसली ले, और जैसे अगर मामलात जो है अगर उसकी रेजोल्यूशन नहीं होती तो ये चलते आगे जाकर ये फिर और ट्रबल करेगा। जरूरी है कि इसको सेकंड थॉट, क्योंकि जो बिलावल साहब ने पहली तमाम बातें की हैं उसमें वो ही स्टूड बाय द चेयरमैन नैब कंप्लीटली और अनइक्विकली, वो बिल्कुल चेयरमैन नैब के साथ खड़े हुए थे, और उनका कहना यह था कि वो विक्टिम हैं, वो ब्लैकमेलिंग का निशाना बने हैं, और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का कसूर है। लेकिन इस वक्त जो आप बात कर रही हैं उसमें अगर मैं गलत हूँ तो आप बता दीजिए कि क्या ये बात नहीं है, और अगर ये बात नहीं है तो इसका मतलब है कि योर पार्टी इज़ हैविंग ए सेकेंड थाट। नहीं जी, नहीं, सेकेंड थाट इसलिए नहीं है कि पहले जो नैब के चेयरमैन ने एक बयान दिया कि ब्लैकमेल हुआ है, और उसके बाद जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ अस जिसके बेसिस पर हमने ये बात कही और चेयरमैन ने भी बात कही, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो चैनल है, जिस चैनल ने ये न्यूज़ ब्रेक की, सेवरल चैनल्स रिसीव द वीडियो अकॉर्डिंग टू आर इन्फॉर्मेशन, एक चैनल ने ब्रेक की,
और वो चैनल उसका मालिक जो है गुज़िश्ता कई माह कई साल तो से जो इस वक्त के वजीर आज़म है, he is not even not only close to him, वो इसकी मीडिया पॉलिसी बनाते आपका, हैं, वो इश्तेहार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपका ज्यादा इंटरेस्ट मैसेंजर पर है या मैसेज पर है? आप इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है कि किस चैनल ने दी और किस वक्त दी, या आपको ये है कि कॉन्टेंट जो इशू है वो फोकस है आपका, या ये है कि ये कैसे आई? देखें, वी डोंट वॉन्ट टू जज एनी थिंग एट दिस स्टेज। आई थिंक इस वक्त इट विल बी सफाइस के और पहलू। उसके बाद देखें, ये भी नई इन्फॉर्मेशन आई कि जो वीडियो लीक हुआ है उसके बाद जो खातून भी कुछ काफ़ी गुफ्तगू कर रही हैं, आई डोंट थिंक कि हम कहें कि टोटली उसको डिसमिस, उसको भी इंक्वायरी के कटहरे में आपको लेके आना है। जब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। बज़ाहिर जैसे मैंने कहा, इस वक्त जो हमारे पास जो हकायक हैं, फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड है, वो ये है कि जिस चैनल ने ये न्यूज लीक की है वो वजीर आजम के खास अब्बास साहब के दोस्त हैं, ये फरमाइएगा कि उनके अब्बास साहब ये फरमाइएगा कि बिलावल साहब की तरह से पहला बयान जो मेरे सामने है शहबाज शरीफ साहब का, उनका यही था कि ये बिल्कुल जाती मामला है चेयरमैन नैब का और इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, उन्होंने पार्टी को भी मना किया था कि इस पर किसी किस्म की कोई बयानबाजी ना की जाए। और इस हवाले से मैंने देखा कि आपके जो स्पोक्समैन है मलिक अहमद खान, उन्होंने पहले कहा था, उनका एक दूसरा स्टेटमेंट आया था उसको भी स्नैप किया आपने, लेकिन अब जो आप बात कर रहे हैं, जो अब इस वक्त ताज़ा बात कर रहे हैं, इसकी कोई झलक नहीं थी पहले, तो क्या PMLN भी इज हैविंग अ सेकेंड थॉट ऑन द होल स्कैंडल? वी आर हैविंग थर्ड थॉट्स। हमारा पहले दिन से बड़ा क्लियर है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बने, स्पेशल कमेटी, और वो उसको इन्वेस्टिगेट करे। ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन थी, उसमें पहले वीडियो आई, जब वीडियो आई तो हमने कहा भाई ठीक है, ये चेयरमैन साहब का प्रॉब्लम है, वो इसको हल करें। लेकिन जब उसकी एसोसिएशन आई कि उस खातून पर नैब का केस भी बना, तो फिर उसका एक और पहलू सामने आ गया। फिर जो कनेक्शन प्रिंसिपल हाउस से आया, वो एक और पहलू सामने आ गया। तो एक इवॉल्विंग सिचुएशन थी। हमने अपने मौका गुजार बड़ा क्लियरली कर दिया था कि इसकी पार्लियामेंट्री कमेटी बने, वो इन्वेस्टिगेट करें, और वो वहाँ से मामला आगे चलेगा कि हकायक अवाम के सामने आए। जो अहमद खान साहब हैं वो ना स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ना उनको कोई और ताल्लुक ऐसा है। वो अपनी एक MPA हैं, अपनी जगह पर बात कर रहे थे किसी और इशू पर, उनसे शायद सवाल हुआ तो वो इस तरफ चले गए, ये उनकी जाती राय है। अच्छा, अब क्या होगा भाई साहब, फरमाइएगा कि अब इस जो अब आपकी लेटेस्ट पोजीशन है, जिसको आपने कहा कि यू आर हैविंग नाउ द थर्ड थॉट, जो अब फाइनल थॉट है या थर्ड थॉट है, इसकी इंप्लीमेंटेशन और इसको फॉलो थ्रू करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप बताइए क्या करेगी पार्टी। हमारी थर्ड थॉट जो है वो सेकेंड थॉट भी वही थी और फर्स्ट थॉट भी वही थी कि पार्लियामेंट्री कमेटी हो। हमने कल ख्वाजा साहब ने उसकी तजवीज़ पार्लियामेंट में दे दी है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसको पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती है। अब बॉल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में है कि वो भी इसको सपोर्ट करे और ये कमेटी बन जाए, वरना ये वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि इसमें हुकूमत कुछ छुपाना चाहती है और वो बचना चाहती है। बहुत शुक्रिया जनाब शाह, डॉक्टर नफीस शाह। पूरी सिचुएशन तब्दील हो रही और आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब इकट्ठे हो रहे हैं, कह रहे हैं ये पार्लियामेंट में जाएंगे, पार्लियामेंट में इस हवाले से पार्लियामानी कमेटी बनवाएंगे, और जिसका मकसद ये होगा कि जो स्कैंडल है चेयरमैन नैब के हवाले से सामने आया है, ऑडियो वीडियो स्कैंडल, इसकी भरपूर तहकीकात होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये वो पोजीशन है जो पहले इन दोनों पार्टीज ने नहीं ली थी, मगर अब लगता है कि तेज़ी से ये सिचुएशन तब्दील हुई है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल ही नैब में पेश होंगे जनाब आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में, हमजा शहबाज शरीफ कल पेश होंगे लाहौर में। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज़ियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। दिलचस्प इंकशाफ है जनाब इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आइंदा आने वाले बजट में पाकिस्तानियों के हवाले से एक बहुत अहम मंसूबे की मंजूरी दी है। इसके मुताबिक, हमारी इतलात के मुताबिक, PTI की हुकूमत ने जिंदगियां बचाने के लिए सेहत टैक्स लगाने का फैसला किया है
और अब मुजर सेहत सिगरेट, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स पर इजाफी टैक्स लगाया जाएगा और इस आमदनी को गरीब आवाम के इलाज और मालिजे पे खर्च किया जाएगा। इसके हमारी इत्तला के मुताबिक इसकी मंजूरी दी जा चुकी है और हेल्थ टैक्स से हासिल शुदा रकम हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और मौलिक बीमारियों के खात्मे के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वजारत सेहत और हेल्थ टास्क फोर्स की इन सिफारिशात की मंजूरी दी है और एन मुमकिन है कि दो हफ्ते बाद वफाकी बजट में जब इसका अनाउंसमेंट होगा तो ये टैक्स इसमें शामिल होगा। मुजर सेहत अशिया पर इस कस्म के टैक्स अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरेबिया, मुतहदा अरब इमारात समेत दुनिया के दर्जनों मुल्कों में राइज हैं। कहीं इन्हें हेल्थ टैक्स का नाम दिया जाता है तो कहीं सिन टैक्स यानी कि गुनाह का टैक्स कहा जाता है। भारत में तो पान और गुटके पर भी ये टैक्स आयद है। फिलीपींस और थाईलैंड में इस कस्म का टैक्स हेल्थ केयर सर्विसेज में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। WHO के कहना है कि सिगरेट नोशी और मुजर सेहत मशरूबात दिल, गुर्दों, सांस और मोटापे की बीमारियां पैदा करते हैं, कौमी खजाने पर इलाज के अखराजात का बोझ डालते हैं, इसलिए इनकी लत में पड़ने वाले अफराद की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स लगाना चाहिए और इससे जमा होने वाले पैसों को सेहत के मनसूबों पर खर्च करना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में 20 सिगरेट का एक पैकेट 160 रुपए में मिलता है, वो मगरबी ममालिक में 15 से 20 डॉलर में मिलता है, यानी दुनिया के बेशतर ममालिक में पाकिस्तानी 2 से 3 हज़ार रुपए का सिगरेट का एक पैकेट मिलता है, यानी कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में कितनी पुरकशिश है ये मुजर सेहत प्रोडक्ट यानी कि सिगरेट्स, और दुनिया से सैकड़ों गुना ज़्यादा ये महंगी है दुनिया में, लेकिन हमने इसको इंतहाई सस्ता रखा है और शायद यही बुनियाद है कि अब इमरान खान हुकूमत चाहती है कि इस किस्म की प्रोडक्ट्स पर उसकी हौसला शिकनी की जाए और अगर जो लोग इस लत में पड़े हैं वो अब भी इससे इसको इंजॉय करना चाहते हैं तो इसका वो इजाफी टैक्स दे। इसी तरह से इदारे शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1,56,00,000 अफराद तंबाकू नोशी करते हैं और सालाना 143 अरब 21 करोड़ रुपये की तंबाकू नोशी पाकिस्तान में की जा रही है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इम्पोर्टेड सिगरेट्स की दरामद और स्मगलिंग की सूरत में पाकिस्तान को कसीर ज़रे मुबादला भी खर्च करना पड़ता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और आलमी इदारे सेहत का मानना है कि टैक्स, हेल्थ टैक्स आवाम के रवैये तब्दील करने और सेहत में बेहतरी लाने के लिए काफ़ी अहम होगा। ऐसे टैक्सेस आवाम के दिल में आवाम के लिए हार्ट जो उनकी कार्डियक के इश्यूज़ हैं, शुगर है, डायबिटीज़ है, मोटापे में कमी लाने के में भी मावन साबित हो सकते हैं और इन अमराज के अखराजात को काबू में ला सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की तहकीकात के मुताबिक चीन में दूसरा मामला जो है, मैंने आपको बताया कि हुकूमत चाहती है कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है यानी कि फिजी ड्रिंक्स है, जो सोडा आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, उस पर टैक्स लगाया जाए और ये भी इंतहाई मुजर सेहत समझे जाते हैं। चीन में मीठे मशरूबात पर भारी टैक्स की वजह से मोटापे और वज़न की ज़्यादती की मरीजों में 20% कमी आ गई है, ये बताया जा रहा है और ये इंतहाई मुजर सेहत समझा जाता है। अमरीका में इस किस्म के ड्रिंक्स को तमाम स्कूल कॉलेज में बंद कर दिया गया है, गोया कि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं मिलते हैं, उनकी हौसला शिकनी भरपूर अंदाज में की जा रही है और अब हुकूमत ये चाहती है कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स पर भी इजाफी टैक्स लगाया जाए। एक तो उनको इस्तेमाल करने वालों की हौसला शिकनी और इसके बावजूद जो इस्तेमाल करते हैं तो उसका कोई एक बेहतर इस्तेमाल हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, वज़ीर आज़म के मावन खसूसी हैं बराए सेहत के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें फिर ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, फैसला हो गया, ये प्राइम मिनिस्टर ने फैसला कर लिया है कैबिनेट वगैरह ने कि ये टैक्स लगेगा सिगरेट्स पे, एडिशनल टैक्स हेल्थ टैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स पे यानी कि बेवरेजेस पे, फिजी ड्रिंक्स पे हेल्थ टैक्स उस पे भी लगेगा। ये दोनों टैक्स नए टैक्स हैं जो कि लगेंगे और ये एक डन डील है, मतलब ये होगा ऐसी। जी शुक्रिया कामरान खान साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम में आने का ये बड़ा मुझे एडवांटेज होता है कि आपने बड़ा होमवर्क किया होता है। आपने अभी ये जो अदाद व शुमार सारे बताए हैं, काफ़ी आपने जो इस मामले में मालूमात थी वो अपने नाज़रीन तक ऑलरेडी पहुंचा दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरजीहात में बुनियादी सहूलतें और बुनियादी ज़िंदगी के जो तकाजे हैं लोगों की ज़िंदगियों के हवाले से, चाहे वो सेहत है, चाहे वो तालीम है, चाहे वो इंसाफ तक रसाई है, चाहे वो पीने का साफ़ पानी है वगैरह वगैरह, तो ये उनको डोमिनेट करती हैं उनकी सारी सोच को और वो हमेशा इस हवाले से सोचते हैं।
तो बावजूद इसके कि हम एक मुश्किल मुआशी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, वो कि आने वाला बजट जो है वो हमें एक मुस्तहकम मुआशी राह पर डालने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सेहत के शोबे में ख़ास तौर पर चूँकि ये इमरान खान साहब के मंशूर में भी शामिल था, पीटीआई के मंशूर में भी शामिल था कि वो तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए नए तरीके अपनाएंगे। आज काबीना में इसके ऊपर बहस हुई जब हम नेक्स्ट बजट डिस्कस कर रहे थे, और इसके ऊपर वज़ीरे आज़म साहब ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग और बड़ा यानी डेफिनेटिव इस पर फैसला कर लिया असूली कि हम टबैको के ऊपर हेल्थ टैक्स लगाने जा रहे हैं। मैं उसे सिन टैक्स नहीं कहना चाहता बल्कि हेल्थ टैक्स हम उसे कहते हैं, और फिजी ड्रिंक्स जो हैं, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जिन्हें हम कहते हैं, इनके ऊपर भी टैक्स लगने जा रहा है। और इसमें जो जिस तरह आपने ख़ुद भी फरमाया, एक असूली फैसला आज काबीना में कर लिया गया, और इसकी तफसीलात जो हैं वो मैं अभी आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन आने वाले दिनों में ये फाइनेंस बिल में ये जो टैक्स है वो शामिल होगा। अच्छा, और डॉक्टर साहब क्या क्यों लगाया जा रहा है इससे जो एक मिनट कामरान साहब, एक जी एक मिनट मैं एक और बात अर्ज कर लूँ कि इसमें एक बहुत अहम जो चीज़ है वो ये है कि ये सिर्फ टैक्स जो लगाया जा रहा है ये ख़जाने में वापस नहीं चला जाएगा रेवेन्यू के हवाले से, बल्कि ये टैक्स जो है ये ईयर मार्क किया गया है, यानी कि इसको मुख्तस कर दिया जाएगा पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर पे खर्च करने के लिए, गरीब लोगों की आवाम की तो सेहत उसका ब्रेक डाउन दीजिए डॉक्टर साहब, उसका ब्रेक डाउन दीजिए कि जो ये जो कलेक्शन होगी, जो कि ये एडिशनल टैक्स होगा ये सॉफ्ट ड्रिंक्स पे या बेवरेजेस पे और जो जो सिगरेट्स पे, तो ये इसका ब्रेक डाउन दें कि फिर ये खर्च कैसे होगा। जी ये इसकी तफसीलात जो हैं वो हम आने वाले दिनों में तय करेंगे। यकीनन इसमें जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का जो पूरी स्कीम है उसके ऊपर खर्च होगा, हेल्थ प्रमोशन के लिए खर्च होगा, क्योंकि जब ये इसमें गलत रवैये हैं जिसकी वजह से ये रिस्क बढ़ता है गैर मुतअद्दी अमराज का, हाइपरटेंशन या डायबिटीज, तो उसको उसकी बेहकुनी करने के लिए हेल्थ प्रमोशन यानी कि सेहत की तरवीज के लिए ये फंड्स इस्तेमाल होंगे, और जो कमी हमारे हेल्थ बजट में है उसका खातर खा उसकी वजह से इसमें कंपनसेशन की जा सकेगी इस टैक्स की मद में जो पैसे इकट्ठे होंगे। चले ये तो अच्छी आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान जी डॉक्टर साहब अच्छा एक आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान इक्वली इम्पॉर्टेंट एक और चीज़, सॉरी हमारे पास टाइम कम होता है, ये फरमाइएगा कि ये जो जो मेडिसिन की प्राइसेस में हाइक आया था जिसकी वजह से फिर आपकी तब्दीली हुई, बल्कि आपने ये पोजीशन संभाली, फिर आपने अपने आप को कमिट किया था, प्राइम मिनिस्टर का हुक्म था कि इसको वापस उस सतह पर लाया जाए। चंद दिन पहले हमने देखा कि एक SRO आपने इशू किया जिसमें 78 मेडिसिन का हमें बताया गया कि दवाएँ कम की गई हैं। हमें ये पता था कि ये सैकड़ों दवाएँ थी जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया है। ये बताइएगा कि ये क्या हम ये सही समझ रहे हैं कि महज 78 दवाओं की कीमतों की जो कीमतें हैं उनको कम किया गया है, और ये जो पूरे जो SROs आए थे ये अपनी जगह बरकरार हैं, और वो जो बड़ी हुई कीमतें हैं वो भी अपनी जगह एक सैकड़ों दवाओं की वो बरकरार हैं। इसमें कुछ मुझे कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है, ये बताइए। जी हाँ जी मुझे मालूम है, क्योंकि ये एक पेचीदा मसला है, लोगों को समझने में मुश्किल होती है। जो अद्वियात की कीमतें 75% से ज़्यादा बढ़ गई थी, उन तमाम दवाइयों की कीमतों को हम 75% पे ले आए, वो यकीनन 78 दवाइयाँ तकरीबन बनती हैं, और वो बड़ी कॉमन यूज़ की दवाइयाँ हैं। इसके अलावा 396 दवाइयाँ ऐसी थीं कि जिनकी कीमत कम कर दी गई थी लेकिन वो ज़्यादा कीमत पे दस्तियाब रहीं मार्केट के अंदर। तो आने वाले चंद दिनों में मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के साथ इसके ऊपर एग्रीमेंट कर लिया है कि हम इसको अखबार में देने जा रहे हैं एक एक दवाई की कीमत, ताकि सार्फीन को, मरीज़ों को और उनके ख़ानदानों को एग्जैक्टली पता हो कि किस मेडिसिन की क्या नई कीमत है जो कम मुकर्रर अब की गई है, ताकि किसी किस्म का कोई भाम ना रहे, और जब वो मेडिकल स्टोर्स या फार्मेसीज पे जाएं तो उनको नई कीमत का पता हो जो कि पहले से रिड्यूस्ड है। तो इसकी वजह से हर तरह का भाम ख़त्म हो जाएगा। आपने ये भी फरमाया कि पिछले SROs कायम हैं, ऐसी बात नहीं, ये जो नया SRO है ये पिछले SROs को सुपरसीड कर रहा है, यानी ये अब नया रेगुलेशन है और ये ओवरकम कर लेगा पिछले रेगुलेशंस को। अच्छा गोया के इससे हम ये समझ लें कि जब ये SRO आया तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, जो पुराने SROs थे वो ख़त्म हो गए, उनको इसने ओवरराइड किया है।
जी उन दवाइयों की कीमत के हवाले से कि जिनकी तब्दील की गई हैं और जो तब्दील नहीं की गई, ये तो सिर्फ 78 की कीमतें हैं, बाकी अपनी जगह जो बढ़ी हुई थी वो अपनी जगह बरकरार है। जी 75% तक, जी बिल्कुल, क्योंकि उनको हार्डशिप केसेस के तौर पे लिया गया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि मैं ये एक शॉर्ट टर्म मेजर है, असल में हमें इस मसले का एक मुस्तकिल बुनियादों पे हल निकालना है और उस सिलसिले में हम एक कौमी सतह पे अद्वियात के हवाले से एक कौमी पॉलिसी बनाने का अमल शुरू हमने कर दिया है और जिसमें अद्वियात की दवाइयों अद्वियात की कीमतों समेत और उनकी क्वालिटी के इश्यूज और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उनकी क्वालिटी के इश्यूज, उनके जी 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 और उनकी दस्तियाबी के इश्यूज और तमाम दीगर ऐसे इश्यूज कि जिसकी वजह से लोगों की रसाई दवाइयों तक मुश्किल हो जाती है, उन तमाम का अहाता किया जाएगा और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को इसमें मशवरा किया जाएगा और इसको अगले इंशाल्लाह चंद महीनों में हम ये नई पॉलिसी अनाउंस करने जा रहे हैं। अच्छा सर, ये एक और क्विकली बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, वो है HIV का, जो कि इस वक्त बहुत हाईलाइट हो रहा है। लड़काना का मामला आप भी गए थे और हमें बताया कि इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी इसमें है और इसमें WHO की टीम वहाँ जा रही है, इसका करंट स्टेटस क्या है, विफाक इसमें कैसे इन्वॉल्व है और इंटरनेशनल इसमें कितनी कंसर्न आ रही है? जी जी, ये जैसा कि आपको मालूम है जी कि ये एक कौमी सतह पे एक तशवीश की लहर दौड़ गई है लाड़काना में बढ़ते हुए HIV/AIDS केसेस के हवाले से और इस हवाले से फिर वफाकी हुकूमत ने स्टेप इन किया। हम ऑलरेडी सूबाई हुकूमत को दवाइयाँ, उसकी जो तशखीस के लिए जो किट्स हैं और जो ट्रीटमेंट सेंटर्स की जो में जो हमारा तावन था वो तो जारी था, लेकिन जब फिर मैं गया वहाँ पे और मैंने सूरत हाल देखी तो उसके बाद मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैं एक इंटरनेशनल रैपिड रिस्पांस टीम जो है उसको कॉल इन करूँ और अल्लाह का शुक्र है जी कि 3-4 दिन के नोटिस पे एक 11 लोगों की टीम जो है WHO और CDC अमेरिका की मुश्तरका टीम वो आज लैंड कर गई है कराची में एज़ वी स्पीक और वो लोग अब लाड़काना जा के दो तरीके से इस सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। एक इस हवाले से कि क्या वो मखसूस वजूहात हैं कि जिसकी वजह से बच्चों में ख़ास तौर पे HIV/AIDS बढ़ती जा रही है, जो नई जो लेटेस्ट फिगर्स हैं उनके मुताबिक 700 में से 576 बच्चे हैं जिनको पॉजिटिव स्टेटस हो गया अभी तक और उनकी जो ज़ेरे यानी जो उसकी वजूहात हैं अंडरलाइंग उनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें इंजेक्शन तो है ही है लेकिन शायद इसके अलावा भी कुछ ऐसे अवामिल हैं कि जिनका हमें अभी पता नहीं है और ये आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन जो है ये करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर मिर्ज़ा, हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3 दिन पहले ज़बरदस्त तेज़ी आई थी, हुकूमत ने और सब ने उसको रिकग्नाइज किया था कि 10 साल की सबसे बड़ी तेज़ी 2 दिन देखने में आई, लेकिन आज ऐसा लगा कि 4 दिन की चांदनी, आज अंधेरी रात थी। आज तकरीबन 800 पॉइंट मार्केट गिरी है, वजह बताई गई कि डॉक्टर हफीज़ शेख ने जो वादा किया था, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, खास तौर पे स्टॉक मार्केट सपोर्ट फंड के हवाले से। अब से थोड़ी देर पहले मेरी डॉक्टर हफीज़ शेख से बात हुई है, उन्होंने मुझे क्या बताया वो भी बात करेंगे एक छोटे से वक्त के बाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली सूरत हाल पैदा हुई, जब आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स एक बार फिर उसी सूरत हाल की तरफ गया जहां पर गुज़िश्ता हफ्ते नज़र आ रहा था और इसमें एक बार फिर बड़ी भरपूर तेज़ी गिरावट नज़र आई। एक मौके पे मार्केट 800 पॉइंट के करीब गिर गई और आज इख्तिताम पर तकरीबन 2.25% मार्केट में आज एक बार फिर गिरावट देखने में आई। वजह ये बताई गई कि जो गुज़िश्ता हफ्ते से पहले जब मुशीर ख़जाना जनाब डॉक्टर हफीज़ शेख कराची तशरीफ़ लाए थे, उनके कराची में ताजरों से, स्टॉक मार्केट के लोगों से और तमाम जो मुतालिका कारोबारी शख्सियात से जो मुलाकातें हुई थी और उसमें ख़ास तौर पर जो उनसे मुतालबात उनके सामने रखे गए थे जिनमें से अक्सर का ताल्लुक PSX वगैरह से था, उन मुतालबात के हवाले से जो उन्होंने वादे किए थे और जो कमिटमेंट्स हुई थी वो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से अचानक शायद मार्केट को ये लगा
डॉक्टर हफीज शेख अपना शायद असर खो बैठे हैं या ब्यूरोक्रेसी उनके रास्ते में आके खड़ी हो गई है, ब्यूरोक्रेसी ने उनके सामने दीवार खड़ी कर दी है जिसकी वजह से वो तमाम चीज़ें जो कमिटेड थी, जो जिसकी जो कमिटमेंट्स हो चुकी थी वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही हैं और जिसकी वजह से आज अचानक ये एक सेटबैक देखने में आया। ये हुकूमत के लिए भी एक बड़ा सेटबैक है क्योंकि जब डॉक्टर हफीज शेख लास्ट टाइम कराची आए थे उसके बाद जो कॉन्फिडेंस उन्होंने इन्फ्यूज़ किया था, जो सेंटिमेंट्स इम्प्रूव हुए थे, जो गैर यकीनी की सूरत हाल इम्प्रूव हुई थी, उसके नतीजे में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई थी और सिर्फ दो दिन के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 10 साल में पहली बार 7% बढ़ गया था। हुकूमत ने उसका भरपूर क्रेडिट भी लिया था। आप देख रहे हैं कि पिछले चंद दिनों में एक तरह से मार्केट में कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है और स्टॉक मार्केट जो एक बिल्कुल ही ढीले अंदाज में चल रही थी और नेगेटिव जोन में थी उसने पिछले चंद दिनों में तकरीबन 7% इजाफा किया है और दो दिन ऐसे गुजरे कि उसकी जो रफ्तार थी बढ़ने की वो 10 साल में नहीं देखी गई थी। और इसी तरह से जो दुनिया के माहिर हैं और मुबस्सिर हैं जो पाकिस्तान पे निगाह रखते हैं उनकी जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में वो भी इस वक्त हाल जैसे मैंने बताया आज बदल गई थी। ये है कि मार्केट में ये खबरें आईं कि ब्यूरोक्रेसी डॉक्टर हफीज शेख के सामने आके खड़ी हो गई है और वो मार्केट सपोर्ट फंड जिसका वादा किया गया था, जिसकी तवक्को की जा रही थी, शायद वो टल गया है या उसमें मसाइल पैदा हो गए हैं जिसकी वजह से आज घबराहट देखने में आई और ये स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 2% आज गिर गया और जिसकी वजह से एक बार फिर गैर यकीनी के बादल जो थे वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में छा गए हैं, उसकी बुनियाद ये बनी है। लेकिन अब से थोड़ी देर कबल मेरी बात हुई है वज़ीर आज़म के मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज शेख साहब से, उन्होंने कहा है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा है कि दोनों फंड जो हैं यानी कि मार्केट सपोर्ट फंड और पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी फंड अब लॉन्च के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उन्होंने मुझे भी ये भी बताया कि मुतल्लिका वजारतें और बोर्ड्स इस सिलसिले में जो ज़ाब्ते की मंजूरियाँ थी वो दे चुकी हैं, ये तमाम तब्दीलियाँ जो ज़रूरी थी वो हो चुकी है। डॉक्टर हफीज शेख ने मुझे ये भी कहा कि ECC की जो मीटिंग हो रही है जुमेरात को वो इन दोनों फंड्स की अब एक फॉर्मल अप्रूवल भी दे देगी, जुमेरात को ये फंड ECC से मंजूर भी हो जाएंगे, गोया के इस सिलसिले में तमाम मराहिल जो हैं वो अगले दो दिन में अगले 48 घंटों में पूरे हो जाएंगे। ये अब से थोड़ी देर कबल डॉक्टर हफीज शेख ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि कुछ प्रोसीजरल चीज़ें थी, चेंजेस थी वो करनी थी, बोर्ड्स से अप्रूवल लेने थे मुख्तलिफ कंपनीज़ के, वो तमाम बोर्ड्स के अप्रूवल, ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। दो फंड्स हैं जो कि अब लॉन्च के लिए तैयार थे और अब इनकी जो इनकी समरी है वो रेडी है फॉर ECC, जुमेरात को इसकी अप्रूवल हो जाएगी और उसके बाद ये कैबिनेट पे जाके ये फंड लॉन्च हो जाएगा। गोया कि आज का जो ये हचकोला है या जो झटका है ये वक्ती है और वो जो हुकूमत की कमिटमेंट थी और डॉक्टर हफीज शेख की कमिटमेंट थी वो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो तमाम कमिटमेंट जो हैं वो मिनिमम उसी तरीके से पूरी होंगी जो उन्होंने कराची में की थी। अब इस सूरत हाल पर बात करते हैं, उसके लिए हमने दावत दी, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद छाबड़िया, डायरेक्टर हैं कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। बहुत बहुत शुक्रिया छाबड़िया साहब, ये फरमाइएगा कि आज कुछ एक पैनिक से सुबह हो गया था, लोगों ने कोई शायद न्यूज़ आर्टिकल आया था जिसमें कहा गया था कि फ़ंड बैठ गया है या प्रॉब्लम्स हो गए हैं, ये हो गए, तो ये इतना डिपेंडेंस था मार्केट का इस फंड पे कि वो फिर लोगों ने उसको शेड करना शुरू कर दिया। हाँ, पैनिक लाइक सिचुएशन थोड़ी देर के लिए आप कह सकते हैं हुई थी क्योंकि ये जब न्यूज़ ब्रेक हुई तो सब ने ये न्यूज़ बाई नहीं की क्योंकि वो जो फंड का जो कमिटमेंट था वो इतना स्ट्रांग था कि मैं नहीं समझता हूँ कि सब ने बाई की। उसी वजह से आपने देखा कि वो रिकवरी आना शुरू हो गई। फंड का जो कमिटमेंट है मेरे ख्याल है वही काफ़ी था, तो जो रूमर चल रही थी वो ये चली थी कि शायद उसमें डिले है या शायद वो आ ना सके, तो वो कमिटमेंट की बात हो रही है। फ़ंड का आना खुद इन्वेस्ट हो जाना उसकी बात नहीं है, उसकी कमिटमेंट ही जो है ना वो काफ़ी है क्योंकि उससे पता है कि वो लोअर लेवल्स पे सपोर्ट लेवल पे। अभी मैंने आपको बताया कि इससे कितना कॉन्फिडेंस आपका वो हुआ क्योंकि अभी मेरी थोड़ी देर पहले डॉक्टर हफीज शेख से बात हुई है, उन्होंने बहुत कैटेगोरिकल ये सारी चीज़ें बताई है। ऑब्वियसली इससे जो आपका जो भी आज जो शेकअप हुआ है वो कुछ वो तो दोपहर तक मेरा ख्याल है कि काफ़ी क्लैरिटी आ गई थी, सब मिक्स्ड व्यूज़ थे, ऐसा नहीं था कि वन साइड व्यूज़ थे, ठीक है। तो दोपहर, लेकिन उसमें एक और फैक्टर भी था कि कल टी बिल्स का ऑप्शन है और मेरे ख्याल से उसका भी एक रेट्स का PIBs का PIBs का ऑप्शन है और उसका भी रेट्स का फियर है,
और इंटरेस्ट रेट से जंग चल रही है मार्केट की, पहले भी मैंने कहा था, तो वो एक अपनी जगह मौजूद है, लेकिन वैल्यूएशंस चूंकि इतनी लो आ गई हैं और बाइंग भी हो रही है। फंड की क्या ज़रूरत है आपको अलग से? जो सारे इन्वेस्टर्स हैं यहाँ हैं, फॉरेनर हैं, वो इतनी इसमें वैल्यू देख रहे हैं, वो इन्वेस्ट करें ना सीधे। देखिए, ये 2008 में एक NIT का NIT अपॉर्चुनिटी फंड बना था, मुझे याद है, मैं उस वक्त भी उस कमेटी में था और हमने बड़ी मेहनत की थी कि 50 बिलियन रुपीज़ का फंड बन जाए, लेकिन बहरहाल आखिर में जाके 10 बिलियन रुपीज़ का फंड बना था। वो फंड 17 या 18 बिलियन से एग्जिट किया उस फंड ने, तो वो NIT को बना लेगा खुद ही जी, तो उनसे वही कहा गया, उनके पास ऑलरेडी बना हुआ है वो NIT अपॉर्चुनिटी फंड इज ऑलरेडी। ये बताइएगा कि ओवरऑल जो भी कन्फ्यूजन था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो कि अनसर्टिनिटीज़ थी खासतौर पर, जो ओवर द लास्ट 8-9 मंथ्स चल रही थी, ये पिछले 15-20 दिन में अब ये फंड IMF वगैरह होने के बाद इस वक्त स्टेटस क्या है, मार्केट का ओवरऑल परसेप्शन क्या है? इकॉनमी की साइड पे तो मेरे ख्याल है बड़ा काम है इस वक्त, कूल इन काम है, और मेरे ख्याल से वो जो डिवेल्यूएशन का भी था वो भी इशू अभी रिजॉल्व होता हो गया है, 150-151 पे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, और जो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला था वो भी सब फिगर्स पता हैं कि वो कितनी कमी आ गई है, तो मेरा ख्याल है कि, और इस साल शब्बर जैदी साहब ने बताया कि जून ईयर एंड पे 4.1-4.2 ट्रिलियन पे हम कलेक्शंस उस पर एंड करेंगे, तो क्लैरिटी तो बहुत आ चुकी है और वो सब अब एडजस्टमेंट हो चुकी है मार्केट के अंदर, वो प्राइसिंग हो चुका है। मेरे ख्याल है नाउ दे आर ऑल लुकिंग टुवर्ड्स द न्यू बजट, और ये जो बजट है, बजट से पहले थोड़े से जो रैली है उसमें भी कुछ फियर्स होते हैं, कुछ अनसर्टिनिटीज़ होती हैं, तो अब ये पिछला तो नहीं, अब आगे बजट की तरफ नज़र है मेरा ख्याल है सबकी। तो अभी लेकिन वो जो एक सेंटिमेंट्स डाउन थे, अनसर्टिनिटी, कन्फ्यूजन और लोगों में डिस्कॉन्टेंसी, नो दैट इज़ नॉट देयर नाउ। अच्छा, वो नहीं है अभी, वो तो गुजर गया, वो अब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है वो। तो और बजट के बाद जब ये फंड भी ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, होपफुली FATF वगैरह रिजॉल्व हो जाएगा, तो फिर आप जी बिल्कुल मूवमेंट फॉरवर्ड देखते हैं ओवरऑल कारोबार में, मईशत में। जी, जितनी क्लैरिटी और आएगी, जितनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अब ये हो गया और आगे जाना हो, देखें इन्वेस्टर को तो एक रोड मैप चाहिए होता है, उसको पता होना चाहिए अगले 2 साल में क्या होने वाला है। जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इंटरेस्ट रेट्स पर बड़ी अनसर्टिनिटी थी, अब ये 12.25 से आगे वो स्टेट बैंक का आ गया कि दिसंबर तक नहीं बढ़ाएंगे, तो इस किस्म की जब क्लैरिटी चीज़ें आ जाती हैं तो देन यू कैन प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद शामले, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे एक और मामला है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान को डॉलर्स चाहिए, हमें ज़र मुबादला चाहिए, और पाकिस्तान से ज़र मुबादला क्या फ्लाइट ऑफ कैपिटल ना हो, उसको उसके जो गैर कानूनी ज़रा है उसको रोका जाए, इसके लिए भरपूर कोशिश हो रही है। फॉरेक्स डीलर्स जो हैं वो मिले हैं वज़ीर ख़जाना को, यानी मुशीर ख़जाना को, और बड़ी इंपॉर्टेंट मशवरे दिए हैं। इस हवाले से बड़ी दिलचस्प इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपसे शेयर करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान को इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत करने की शदीद ज़रूरत है। आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को डॉलर्स की इंतहाई शदीद ज़रूरत है। पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव है। यही वजह है कि पाकिस्तान मजबूर हुआ IMF के साथ प्रोग्राम करने के लिए। पाकिस्तान दोस्त ममालिक के पास गया, चाहे वह सऊदी अरब हो, मुत्तहिद अरब इमारात हो, चाइना हो, सब बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो सकते हैं, उसकी सबसे बड़ी जो रास्ता होता है वो एक्सपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़े, पाकिस्तान में ज़र मुबादला आए, और इससे फिर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। दूसरा ज़रिया पाकिस्तानी हैं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं, वो पाकिस्तान अपने एक्सचेंज को भेजते हैं, ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं, रेमिटेंसेज भेजते हैं, ये पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए दूसरी बड़ी ज़रूरत है। इस वक्त मसला ये है, पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो डॉलर मौजूद होते हैं उसका फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है मुख्तलिफ गैर कानूनी तरीक़ों से, और मुख्तलिफ कानूनी तरीक़ों में जो लूप होल्स है उसके ज़रिए पाकिस्तान से डॉलर्स का इनकला होता रहता है। डॉलर्स को बचाना है, डॉलर्स को रोकना है, डॉलर्स के को रोकना भी है, और उसके साथ डॉलर्स में किसी किस्म की सट्टेबाजी को भी रोकना है, आवाम को भी डिस्करेज करना है कि वो डॉलर लेके रखे, बल्कि आवाम को इनकरेज करना है कि वो उनके पास अगर डॉलर्स मौजूद हैं सेविंग्स में तो वो डॉलर्स को बेचें, रुपया लें, क्योंकि अब इंतहाई इम्पॉर्टेंट और ये एक इत्मीनान की बात है कि पिछले कई रोज़ से डॉलर की कदर में एक इस्तेहकाम पैदा हुआ नज़र आया है, और इसमें कमी के आसार जो हैं वो कम से कम होते चले जा रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत बड़ी तगदौ कर रही है, और उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट सलाह मशवरा हो रही है माहरीन से भी, और ख़ास तौर पर इसमें एक बहुत अहम
किरदार होता है पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स का, जो कि पूरे पाकिस्तान में उनका एक नेटवर्क है जहां पे फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स होती हैं, और वो भी इस सिलसिले में बहुत ही तजुर्बेकार स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनके पास इस सिलसिले में मालूमात भी होती है। वो अब उन्होंने शेयर किए हैं हुकूमत के साथ, मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख के साथ मुलाकात हुई है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स की, और इस सिलसिले में बड़ी दिलचस्प मालूमात सामने आई है जो कि हम चाहेंगे कि हमारे साथ शेयर करें। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक बुस्तान जो सदर है फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, फरमाइएगा कि इस वक्त पहली चीज़ तो ये बताइएगा कि कुछ इस्तेहकाम पैदा हो गया है रुपए की कदर में, पिछले हम 5-7 दिन से हम देख रहे हैं, पाँच छः दिन से देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी बुनियादी वजह तो मैं अल्लाह का करम है और नबी पाक का सदका और रमज़ान की बरकत है, और सबसे बड़ी बात मैं अपने कौम को सलाम पेश करता हूँ जिसको हमने की तलवार है और एक तरफ कर्ज़ों का अंबार है, और पाकिस्तान को जो इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। हमारी 15 मई को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से मीटिंग भी हुई थी इस सिलसिले में, और उन्होंने भी यही कहा कि आप इस वक्त पाकिस्तान की हेल्प करें और पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज की जो दबाव इसमें कमी ताकि वाक़ हो। तो हमने उस वक्त भी उनको यही कहा था कि पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज की कोई कमी नहीं है, अगर आप पिछले 23 साल का रिकॉर्ड देखें तो 160 अरब डॉलर बैंकों के जरिए गैर मुल्की बैंकों में गए हैं और 100 अरब डॉलर के हमारे कर्जे हैं, इससे साबित होता है कि फॉरेन एक्सचेंज की कोई कमी नहीं है। मैनेजिंग की कमी, अगर मैनेजमेंट हम बेहतर बना लें तो पाकिस्तान। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो चीज़ें आपने निशानदेही की और काफ़ी अरसे से निशानदेही कर रहे हैं, और इस वक्त शदीद हम प्रेशर में हैं, शायद पहले इतने प्रेशर में नहीं थे, तो क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं? जिस वो जो लूप होल्स थे जिससे कि डॉलर्स निकलते थे, मैं जैसे मिसाल के तौर पर कह सकता हूँ कि हम सेकेंड हैंड गाड़ियाँ अब नहीं मंगा रहे हैं, उसमें हमारे एक बड़ा फॉरेक्स एक ड्रेन होता था वो नहीं हो रहा, हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन स्मगलिंग में कुछ कमी आई है, वो थोड़ी सी कमी हो गई है, अवान ट्रांसिट का जो मामला था शायद मेरे हिसाब से शायद उसमें कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी आई हो, लेकिन जो बड़े बड़े लूप होल्स थे जिससे कि ये डॉलर्स निकलते थे, उसमें क्या तब्दीली आई, क्या बेहतरी आई है? देखिए जी, उसमें सबसे पहले तो मैं आपको अवाम को मैं सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने अपने घरों से डॉलर निकाले और पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 15 मिलियन डॉलर हमने इंटर बैंक में हुकूमत को दिए हैं, और 15 मिलियन डॉलर हमारे काल और पहुंचने वाले हैं, 30 मिलियन डॉलर हमने हुकूमत पाकिस्तान को इंटर बैंक के जरिए सप्लाई दी है, और ये सब आवाम ने हमें दिया है, उसमें रियाल है, दिरहम है, पाउंड है, यूरो है, आवाम से हमने अपील की अब डॉलर कोई खरीद नहीं रहा, सब फरोख्त करने आ रहे हैं, तो ये बड़ा लगा करम हुआ, सप्लाई बढ़ी है और डॉलर का रेट कम हुआ है। उसके साथ ही हमने हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि आप लग्जरी आइटम पे बैन लगाएं, इस वक्त 60 अरब डॉलर की हमारी इंपोर्ट है और 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, वो तो 20 अरब डॉलर हमारे वर्कर अभी डेस आ जाता है, वरना हम किसी के कहीं डिफॉल्ट कर चुके हैं अभी तक। तो ये मैं समझता हूँ अगर लग्जरी आइटम पर हुकूमत पाबंदी लगाती है तो फौरी तौर पर हमारे 15 से 20 अरब डॉलर की जो है ट्रेड गैप कम होएगा, और हमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज पे जो दबाव है ये कम होगा। इसके अलावा आज हमने जो तजवीज़ दी है वो बड़ी आम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाज़रीन को भी पता चले, हमने हुकूमत को बताया कि इस वक्त चाइना से हमारी 17 से 18 अरब डॉलर की इंपोर्ट है और 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, 15 अरब डॉलर का हमारा सालाना तजारती खसारा है। इसी तरह क्रूड ऑयल जो हम तमाम मिडल ईस्ट से इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो भी हमने 15 अरब डॉलर का सालाना इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने दरख्वास्त की है कि आप इसको आप करेंसी स्वाप अरेंजमेंट के तहत इसको लोकल करेंसी में अगर हम इसको ट्रेड करते हैं तो 30 अरब डॉलर साल के हमारे इंटर बैंक में डिमांड कम होगी, क्योंकि अभी हमने जब IMF से ये माहदा कर ही लिया है कि डिमांड और सप्लाई का अपना रेट मुकर्रर करेंगे, तो इस डिमांड को हम करने के लिए ये सबसे बड़ा आसान और इजी रास्ता है, और जो क्योंकि लेकिन ये जो आपने मशवरा दिया ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, तो इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सकता, अब तक क्यों नहीं हुआ है, और क्या अब हो जाएगा? हाँ जी, मुशीर खजाना साहब जनाब हफीज़ शेख साहब ने उसी वक्त गवर्नर साहब से बात की और उन्होंने कहा इसमें वर्किंग करेंगे, और ज़ाहिर हुकूमत सतह का ये लेवल है, और इसमें अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो डॉलर खरीदने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा, और डॉलर का रेट इंटर बैंक में मैं समझता हूँ कम से कम भी 10 रुपये तो फौरी तौर पर कम होगा, और इससे ज़्यादा भी कम हो सकता है, क्योंकि 30 अरब डॉलर बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है और हमें इससे फ़ायदा उठा पूरी दुनिया इस पर। चले, ये तो जब होगा सो होगा, ये बताइएगा कि अभी तो फिलहाल तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ये पता चल जाए कि पहुँच गया डॉलर जिस लेवल तक पहुँचना था, और जिन्होंने डॉलर्स रखे हुए हैं, जो सेविंग्स हैं उनकी, और सेविंग्स हैं लोगों ने अपने पास डॉलर रखे हुए हैं, वो समझ रहे थे कि भाई ये हमारा रुपया नहीं रुकेगा, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया डॉलर में, अब वो आएँ और अपना डॉलर बेचें और इसमें बेहतर उनको रकम मिले रुपए में, तो वो फिर हमारी उससे ये शायद आपको जितने बिलियंस की बात कर रहे हैं इसमें बहुत सी तो हमारे घरों से निकल के पूरी हो जाएगी ज़रूरत।
बिल्कुल आपने सही फरमाया, इस वक्त अरबों डॉलर लोगों के घरों में लाखों में पड़े हैं और वो लोग इस खौफ से उन्होंने ज़ेर ज़मीन कर दिए हैं कि कहीं कोई कल डॉलर का बढ़ जाए या कोई ऐसा फैसला आ जाए जिससे हमारे जो है हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ज़ाया हो जाए। तो इस वक्त खौफ की फ़िज़ा करनी ख़त्म करनी होगी, लोगों को इंसेंटिव देना होगा और उन्हें ये यकीन दिलाना होगा ये पैसा उनका महफूज है और अगर वो उसको पाकिस्तानी रुपये में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनसे कोई पूछ गूछ नहीं होगी और कोई उनके साथ कार्रवाई नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ पैसा पाकिस्तान के सिस्टम में आ सकते हैं। वो तो है ना मलिक साहब, ये तो एमनेस्टी स्कीम है ना, इतनी ज़बरदस्त ये एमनेस्टी स्कीम आई हुई है, इससे पहले भी आई थी, तो अब उसकी कहाँ गुंजाइश है कि वो कोई पूछेगा? पूछने का तो हमने नहीं रखा है सिलसिला। जिनके पास पैसे हैं उनको तो आप दे नहीं रहे, आप उन लोगों को दे रहे जिनके पास पैसे ही नहीं है। पैसा सारा तो बैरोक्रेट के पास है और गवर्नमेंट मुलाजमों के पास है और जो है उसमें सियासतदानों के पास है, उनको आप कह रहे हैं कि इसमें सब कुछ शामिल करना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट मुलाजम हो, फोर्सेज हों, सियासतदान हों, कोई भी हो, सबको कहें जी आप अपना पैसा मुल्क में लेके आएँ और अपने डिक्लेयर करें और मैं समझता हूँ उनको रिस्पेक्टफुली अगर आप ट्रीट करें तो कोई वजह नहीं उस पैसे को पाकिस्तान लेके ना आए। तो ये अब आप बताइए कि फिर ये जो कदर है ये आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ये अब हम तो अब मार्केट ओरिएंटेड हमारा एक्सचेंज रेट हो गया है ना, हमारी मार्केट ये गवर्न कर रही है जिसमें कि हमने देखा कि रुपए की कदर बेहतर भी हुई, पिछले दो तीन दिन में बेहतरी भी आई है। तो अब आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा झटका है जो इसको गिरा सकता है या ये कि अब आपके नज़दीक आप लोगों के सामने कमिटमेंट देना कि आपके हिसाब से ये अब बेहतर कदर है? ये पहले हम झटके दो तीन पहले इस कौम को लग चुके हैं। 98 के मैं मिसाल दूं, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था डॉलर 44 से बढ़ के 66 रुपये हो गया था और 500 मिली के सिर्फ रिज़र्व रह गए थे और उस वक्त यही हमने हुकूमत को कहा था कि आप जो है एक तो लग्जरी एटम पे आप बैन लगाएं और दूसरा ज़ीरो मार्जिन जो LC है वो ख़त्म करें और 100% मार्जिन की LC अलाउ करें, क्योंकि बगैर पैसे के आप कारोबार करें, पैसा सारा गवर्नमेंट पाकिस्तान का जा रहा है। तो आज भी अगर ये ज़ीरो मार्जिन की LC ख़त्म करें, 100% मार्जिन कर दें तो आज ही मैं समझ तो 5 से 10 रुपये डॉलर का रेट गिर जाएगा। तो कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान बड़ा गरीब तरीन कंट्रियों में शुमार है, कोई अमीर कंट्री नहीं, और हमारे सुपर स्टोर आप देखें बाहर के फ्रूट पड़े हैं, बाहर के चॉकलेट पड़े हैं, बाहर की पनीर पड़े हैं, बाहर के मक्खन पड़े हैं, बाहर के दूध पड़े हैं, कोई चीज़ पाकिस्तानी, पाकिस्तान तो इंपोर्टर कंट्री बन के रह गया और उनकी एक मंडी बन के रह गया। तो हमारी जब तक मैन्युफैक्चर नहीं होगी, वैल्यू एडिड नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तो पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब ही है, ख्याल ही है, तरक्की नहीं करेगा कभी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मलिक बोस्तान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, सदर फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। कमर्शियल ब्रेक उसके बाद जिक्र करेंगे, बजट आएगा उसके साथ ही महंगाई आएगी क्योंकि ये तय है, ये हमें करना है, ख़ास तौर पे बिजली के गैस की कीमतों में इजाफ़ा होगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर आलमी मंडी में बढ़ती हैं उसमें इजाफ़ा होगा, उसके साथ ही पूरे माहौल में नए टैक्सेस क्योंकि आयद होंगे उससे महंगाई होगी और महंगाई होगी ठीक ठाक एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 25% तक महंगाई हो जाएगी आइंदा चंद महीनों में, गोया कि आपको या तो एक 25% अपनी आमदनी बढ़ानी है या 25% आपको अपने खर्चे कम करने हैं। उसकी आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक मुश्किल वक्त से पाकिस्तान गुजरेगा, महंगाई आने वाली है क्योंकि कर्जे वापस करने हैं, स्वाए लोगों के ऊपर चीजें महंगी करके और कर्जे कैसे वापस करेंगे। हमें सबको एहसास है कि इस वक्त लोग एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, कीमतें बढ़ी हुई हैं, गैस की बढ़ गई, बिजली की बढ़ गई, डिवेल्युएशन हुई, रुपए की कीमत गिरी, तो महंगाई तो आनी थी, मुश्किल वक्त तो आना है। इस वक्त हमारे लोग मुश्किल में, महंगाई है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, ये मुझे एहसास है कि महंगाई है, थोड़ी देर मुश्किल वक्त से हमें गुजरना पड़ेगा। एक घर पे कर्जे चढ़ जाते हैं तो वो क्या करता है, घर दो काम करता है ना, खर्चे कम करता है और अपनी आमदनी बढ़ाता है। तो जब तक वो आमदनी नहीं बढ़ती तो थोड़ा मुश्किल वक्त गुजारना पड़ता है। मैं अभी आपको कह रहा हूँ हमारे 2 महीने और मुश्किल है। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को दिलासा दे रहे हैं, उन्हें महंगाई का एहसास है, आवाम हौसला रखें, घबराए नहीं, इस्लाहात के असरात नज़र आएंगे, 2 माह में हालात बेहतर हो जाएंगे। मगर दरअसल ये मामला इतना सीधा सादा नहीं है, वज़ीर आज़म की लौरियाँ काम नहीं आएंगी क्योंकि इस वक्त उनको ज़रूरत है पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए, सख्त फैसले करने के लिए और पाकिस्तान को अपनी आमदन बढ़ानी है। पाकिस्तान के खर्चे उसकी आमदन से कहीं ज़्यादा हैं और इसके लिए फौरी तौर पे उन्हें इकदामात करने हैं। IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान दाखिल हो चुका है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को अपनी आमदनी बढ़ानी है, जिसके लिए टारगेट तय किया है जनाब इमरान खान की हुकूमत ने तारीखी, कि पाकिस्तान में वो अगले सिर्फ 1 साल में तकरीबन 1550 अरब रुपए के टैक्सेस ज़्यादा हासिल करेंगे, हुकूमत की आमदनी बढ़ाएंगे। ये कैसे मुमकिन होगा,
ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बहरहाल इसकी बुनियादी जवाब यही है कि आवाम की जेबों से पैसा निकलेगा और हुकूमत की आमदन में इजाफा होगा और हुकूमत की जेब में जाएगा, और फिर जब ये होगा तो यकीनन लोगों के लिए एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल होगी। पीटीआई हुकूमत के 9 माह में मईशत इस वक्त इस नहज पर पहुंच चुकी है जहां महंगाई इस वक्त आवाम के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। डॉलर जो 124 रुपए का था अब 151 रुपए का हो चुका है। शरह सूद 7.25 से बढ़कर तकरीबन 12.25% हो चुकी है। टैक्स कलेक्शन यानी कि जो आमदन थी हुकूमत की उसमें इस साल 450 अरब रुपए कम हुए हैं। महंगाई की शरह 8.5% और तरक्की की शरह 2.5% रह गई है। बैरूनी सरकार सरमाकारी में 52% कमी आई है। बजट खसारा 17 साल की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुका है। हुकूमती अखराजात 17% इजाफे से 4,798 अरब रुपए के हो चुके हैं, यानी कि हमारी आमदन से कहीं ज़्यादा। इन तल्ख हकाई के बावजूद हुकूमत आवाम को सच सच नहीं बता रही कि अब आइंदा बजट के बाद उसकी उनकी तकलीफ़ में, उनकी महंगाई में कितना इजाफा होगा, ताकि लोग कमर बांधने तैयार हो जाएं। लेकिन बहरहाल हुकूमत बताए ना बताए, लेकिन हम आपसे कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल सूरत हाल आएगी। एक आम आदमी को अपने घर का माहाना खर्चा जो है वो चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि तकरीबन 25% हर चीज़ महंगी हो जाएगी, तो या तो उन्हें 25% अपनी आमदनी बढ़ानी होगी या 25% अपने अखराजात कम करने होंगे। ये सब कुछ कैसे होगा हम आपको दिखाते हैं। IMF की छतरी में मईशत को सुधारने के लिए उठाए जाने वाले इकदामात से आवाम की हालत आने वाले दिनों में मजीद पतली होने जा रही है। डॉलर की कदर बढ़ने के आफ्टर शॉक्स तो अशिया के दाम में आए रोज इजाफे की सूरत में आवाम को मिल ही रहे हैं। आइंदा माह ईद से कबल ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा आवाम के गले पड़ जाएगा। हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि तेल मसनूआत की बैन अल-अक़वामी कीमतों को कंट्रोल करना उनके बस में नहीं है। मतलब ये कि खाली खजाने से परेशान सरकार से पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स में कमी की अब आप फिलवक्त कोई तवक्को ना रखें। ईंधन के रेट बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट के किराए भी ऊपर जाएंगे। मैन्युफैक्चरर तरसील की लागत बढ़ने का बोझ आवाम को मुंतकिल करने में ज़रा भी देर नहीं लेंगे। लोगों के जहन में है जो चीज़ परेशान कर रही है उनको, दैट इज़ इन्फ्लेशन। ये हुकूमत के इख्तियार में नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत क्या है। नागुज़ीर हो कि तेल की कीमत इस वजह से बढ़े या उसका जो असर बिजली की कीमत पे पड़ता है, तो हम मजबूर होंगे उस चीज़ को बढ़ाने के लिए। दुकानदारों का कहना है कि 75% कंपनियाँ जिसमें MNCs भी शामिल हैं, रमज़ान के बाद रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की नई रेट लिस्ट जारी करने के लिए कमर कस चुकी हैं। कपड़े धोने का डिटर्जेंट, साबुन, शैम्पू, मसाला जात समेत बेशतर मसनूआत की कीमतों में होने वाले इजाफे को डॉलर के बढ़े हुए दाम से नत्थी किया जा रहा है। ज़ेरे गर्दिश कर्जों के दलदल में धंसे तवानाई सेक्टर को अब हुकूमत अपने पल्ले से सब्सिडी की सूरत में दी जाने वाली माली मुआवनत भी कम कर रही है। यानी महंगी बिजली कदरे सस्ते दामों आवाम को दी जाने वाली रीत ख़त्म होगी तो सारिफीन का बिजली का महाना बिल खुद ब खुद बढ़ जाएगा। 202 अरब रुपया बिजली के प्रोजेक्ट्स लगे हैं, उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स जो हमारे सिर पे अभी खड़ी होंगी, और ये इंक्रीजेस या निरखों में इजाफा जो है वो हम लोग ब्रेक करके अगले साल 1.5 साल के ऊपर हम लोग करेंगे। दूसरी जानिब गैस की तरसीली कंपनियों के खसारे को कम करने के लिए यूनिट महंगा करने की बाजगज भी सुनी जा रही है। इसके अलावा डॉलर महंगा होने से LPG की दरामदी लागत में इजाफा सारिफीन को अलग झटका देगा। बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। हुकूमत नए बजट में 1 से 1.5% तक GST बढ़ाने पर गौर कर रही है। ऐसा हुआ तो महंगाई को मज़ीद तड़का लग जाएगा। याद रहे कि हुकूमत बहुत सी दरामदी मसनूआत पर पहले ही ड्यूटी बढ़ा चुकी है। स्टेट बैंक की जानिब से महंगाई के खदशात को देखते हुए शरह सूद में मुसलसल इजाफा निजी शोबे के लिए कर्ज का हसूल मुश्किल करता जा रहा है। कारोबार को वसत ना मिली तो रोज़गार के मौके कम हो जाएंगे। ऐसे में जब हुकूमत भी महदूद वसाइल के बायस तरक्याती बजट पर छुरी चला चुकी हो तो वहाँ बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। माहरीन का कहना है कि हुकूमतें कर्ज तो IMF से लेती हैं, लेकिन इसका हिसाब अवाम को चुकाना पड़ता है। और इस मसले का पूरा स्कोप क्या है, ये हम पूछेंगे। माहिर मईशत इसका मसले का हल बता सकते हैं। पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर
इकोनॉमिस्ट हैं और इकोनॉमिक इश्यूज़ के एनालिस्ट हैं जनाब अकबर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर जैदी साहब, पहले तो ये फरमाइएगा कि आप कितना जस्टिफाइड समझते हैं इस वक्त जो हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया है, जो जाहिर है कि बड़ी वजह बनता है जब स्क्वीज आती है, वो कितना जस्टिफाइड है? अच्छा सवाल है कामरान साहब। ये अभी पिछले दिनों में जो स्टेट बैंक ने सूद के की वो सतह बढ़ाई है 150 बेसिस पॉइंट्स जिसे कहते हैं, और अभी तकरीबन 12.25 तक पहुंच गई है। इसका बुनियादी जो असर पड़ेगा वो ये पड़ेगा जो कारोबार वगैरह है, जो कर्ज़े लेते हैं बैंकों से, वो नहीं ले पाएंगे, उनके लिए बहुत महंगा हो जाएगा। जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस जिसे कहते हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, वो बहुत महंगा होगा। एक तो ये होगा, दूसरा ये कि इसमें बड़ी एक अजीब बात है, अजीब बात ये है कि जो अगरचे स्टेट बैंक ने ये बढ़ाई है, सबसे बड़ा कर्ज़दार इस मुल्क में हुकूमत पाकिस्तान है। तो आप ये देखें कि हुकूमत पहले जो 100 रुपये कर्ज़े लेती थी जिसके वो 8% या 10% सूद देती थी, अब वो 12.5% देगी, और ये बहुत मुमकिन है कि ये सूद की सतह जो है ये और इसमें इजाफा हो IMF के मुआहदे के तहत। तो हर तरह से ये देखा जाए ये बिल्कुल गलत है और इसको नहीं होना चाहिए, ये इसमें तरक्की नहीं हो सकती। अच्छा, तो फिर अगले साल में, अब हम ये तो खैर हो गया ना, अब अगले साल में जब इसकी वजह से जो ओवरऑल महंगाई होगी यानी कि इन्फ्लेशन में इजाफा होगा, वो किस हद तक होगा, यानी कि कितना फ़ीसद आप मज़ीद इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं अगले साल बढ़ेगा, क्या आपका अंदाज़ा क्या है, यानी कि 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक? महंगाई जो है इस साल जो बढ़ी है पाकिस्तान में, ये 2017-2018 का जो साल चल रहा है, ये तकरीबन 9% के करीब है, और ये 9% जो बढ़ी है ये पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगले साल जो उम्मीद का तो लफ्ज़ गलत है, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि ये तकरीबन 16% तक जाएगी। ये रिसर्च हुई है, काफ़ी इकोनॉमिस्ट ने रिसर्च की है, वो ये बताती है कि इसके 2-3 वजूहत हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो रुपए की कदर में बहुत कमी आई है, और जो मज़ीद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें और कमी आएगी। तो जब रुपए की कदर में कमी आती है डॉलर के मुकाबले में, तो तेल की कीमत बढ़ जाती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, सब चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है, और उससे महंगाई बढ़ती है। दूसरा ये कि जो सूद की सतह जो बढ़ी है, इससे भी जो लोग कर्ज़े लेते हैं, जो बिज़नेस लगाना चाहते हैं, वो भी अपने जो रेट है वो बढ़ा देंगे। जो अगर मसलन कोई कंज्यूमर है, जो अगर किसी को फ्रिज खरीदना चाहता है, गाड़ी खरीदना चाहता है, अगर उसके पास इतने पैसे हैं तो उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी। तो हर तरह से कीमतें बढ़ेंगी, और बुनियादी वजह जो इसमें यह है कि रुपये की कदर में इतनी कमी हुई है, तो उस वजह से यकीनन कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन जैसा ये बताइएगा कि जब ये तो सारी चीज़ें होती हैं डिमांड एंड सप्लाई की, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, उनके पास खर्च करने के लिए डिस्पोजेबल इनकम ही नहीं होगी, पैसे ही नहीं होंगे, वो उनकी तलब ही नहीं होगी, तो फिर जब तलब नहीं होगी और जब डिमांड नहीं होगी और लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे और कुव्वत खरीद सिकुड़ जाएगी, तो फिर महंगाई कैसे इजाफा होगा जब लोग जा ही नहीं रहे होंगे ख़रीदने के लिए? तो ये तो बड़ी एक थोड़ी सी मुझे समझाएं कैसे होगा ये मुमकिन? देखें, लोगों को कम से कम अगर गोश्त नहीं खाते, मुर्गी नहीं खाती, दाल तो खानी है, अगर इनको सब्जियां तो खानी है, दूध तो पियेंगे, चीनी का तो इस्तेमाल होगा, तो जो चीज़ें अगर देखें बुनियादी चीज़ें होती है, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, किराए बढ़ जाते हैं, ठीक है, आप काम पर तो जाना है, वापस भी आना है, कहीं पे भी जाना है, जो कुछ भी करना है, चीज़ें ख़रीदनी है, उनको ट्रांसपोर्ट करना है, ये होता है। फिर ये भी कहा जा रहा है, एक मज़े की बात ये है कि ये इस वक्त चल रहा है कि GST में 1% इजाफा हो जाएगा, अभी जो है GST 17% है, तो उसको बढ़ा के 18% कर दिया जाएगा। तो अगर ये हुआ, क्योंकि रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, अगर GST बढ़ाया जाता है 1%, तो एकदम से उसमें हर चीज़ में इजाफा हो जाएगा। तो आपकी बात सही है, अच्छा सवाल है कि अगर कुव्वत ख़रीद कम हो जाती है तो लोग कम ख़रीदेंगे, लेकिन कम से कम जो चीज़ें खरीदेंगे वो महंगी हो जाएंगी। तो ओवरऑल जो है, और हम क्योंकि तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारा बुनियादी खर्चा जो है इंपोर्ट्स का वो तेल का है, डर ये है कि आलमी मंडी में भी कीमतें जो हैं बढ़ जाएँ, तेल की वो बढ़ेंगी, डॉलर टर्म में बढ़ेंगी, और ये पास ऑन जिसे कहते हैं, तो ये कीमतें आगे बढ़ती ही चली जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अकबर जैदी हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफिज नासिर। Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button.
कीप वॉचिंग दुनिया न्यूज़।